जा रहे हैं, बल्कि एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 10 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है, 10 साल बहुत लंबा समय होता है। जिन्हें मौका दिया गया जीत करके गए, दिल्ली में भी सरकार, यूपी में भी सरकार, और जनता की तरफ से आवाज आ रही है कि सांसद जी हाजिर हों और 10 साल का हिसाब किताब दें, 10 साल का हिसाब किताब दें। वैसे चुनाव के रुझान तो बाद में आते हैं, लेकिन अभी दिल्ली वालों का और लखनऊ वालों का आपने भाषण सुना होगा, चुनाव के रुझान आने लगे हैं, चुनाव के रुझान आने लगे हैं। और चाहे उत्तर प्रदेश हो, देश हो, इंडिया गठबंधन की चर्चा होने लगी है। जो पश्चिम से हवा चली है, जो पश्चिम के लोगों ने मतदान किया है, उस मतदान ने ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होने जा रहा है। मैं अलीगढ़ वालों से कहूंगा कि एक ऐसा ताला बनाओ, हम सब लोग मिलकर के भाजपा के गलत मंसूबे हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दें। ये जो मंसूबे हैं उनके नफरत फैलाने के, ऐसा ताला लगा देना कि हमेशा हमेशा के लिए नफरत बंद हो जाए। और अलीगढ़ ने कभी एक बार नहीं, न जाने कितनी बार सौहार्द का परिचय दिया है, भाईचारा का परिचय दिया है। ये जो हमारी मिलीजुली संस्कृति है, जहां हम लोग मिलजुल करके रहते हैं, जो लोग सत्ता से बाहर जाने वाले हैं, उनके भाषणों में चुनाव के परिणाम का रुझान दिखाई देने लगा है। इन्होंने मन की बात तो की है, ये जो बातें निकल के आ रही हैं, जो दूसरों पे थोपी जा रही हैं, दरअसल इनकी मन की बात है। और जो मन की बात आ रही है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है, अब संविधान की बात हो। ये जो गारंटी देते घूम रहे हैं, ये गारंटी उसी तरह की है जैसे कोरोना में हमसे और ताली थाली बजवाई थी। ये लोगों को गारंटी नहीं, घंटी दे दी है कि जाओ बजाते रहो। जो ये गारंटी है, जुमले से 10 साल लंबी है। 10 साल पहले जुमला था और अब गारंटी आई है। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, जब हम और आप लोग मतदान करें तो हम लोग सावधान भी रहें, क्योंकि इधर हमारे किसान भाई से लेकर के हर वर्ग के लोगों ने देखा है कि इनकी सरकार में कितनी तकलीफ और परेशानी आई है। हम अपने किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, ये सरकार जब से आई है हमारा किसान संकट में चला गया। उनके सामने जो मुसीबतें आई, शायद आजादी के बाद इतनी मुसीबतें किसानों के सामने कभी नहीं आई। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब कोरोना था, जब सब कुछ बंद हो गया, अगर कोई खेतों पे जाकर के अन्न पैदा कर रहा था तो वो हमारे किसान और हमारे किसान के बेटे जाकर के अन्न पैदा कर रहे थे। और न केवल हमें आपको पेट भरने के लिए अन्न पैदा किया, बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था बचाने का भी काम किया। ये लोग धोखे से काले कानून लाए थे, हमारे किसान जानते होंगे, पूरे प्रदेश और देश के किसान दिल्ली जाकर के इस सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। इन्होंने कीले लगवाई, दीवारें खड़ी की, पुलिस लगा दी, ट्रैक्टर को डीजल नहीं भरने दिया,
लेकिन हमारे किसानों ने परवाह नहीं की और वो दिल्ली जाकर के खड़े रहे। हजारों शहीद हो गए लेकिन तभी लौटे जब किसानों के तीनों काले कानून वापस ले लिए सरकार ने। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यही सरकार है जिसने कहा था हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, अभी आप लोग गेहूं काट करके गेहूं बाजार ले गए होंगे, क्या सरकार ने आपकी लागत से लागत और हमारे किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए था क्या लाभ मिल गया किसानों को? लागत के हिसाब से क्या हमारे किसानों की आय दोगुनी हो गई? और ये जो दिल्ली वाले और लखनऊ वाले लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, ये सरकार वो है जिस सरकार में पिछले 10 साल में जो सरकारी आंकड़ा बताता है, एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है, गरीबी के कारण और हमारे किसान अपनी परेशानी के कारण 1 लाख किसान ने आत्महत्या कर ली। क्या जवाब है सरकार के पास? कोई जवाब है सरकार के पास? जहां किसान दुखी है वहीं हमारा नौजवान जानता होगा मेहनत करके पढ़ाई लिख करके अच्छी कोचिंग करके जब वो नौकरी पे गया परीक्षा लिखी लेकिन सरकार में पेपर लीक हो गया। ये नौजवान जानते होंगे कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। अभी तक जितनी भी उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं हुई हैं सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। और पुलिस भर्ती को लेकर के जब हमारे नौजवान तैयारी कर करके गए उन्हें लगा कि उनका भविष्य बन जाएगा, उन्हें नौकरी मिल जाएगी सरकारी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि हमने पूरा इंतजाम किया है सुरक्षा का, कोई पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन जब नौजवान परीक्षा दे करके घर लौटे उन्हें पता लगा कि पेपर लीक हो गया है। कुछ लोगों को पेपर पहले ही मिल गया था, सरकार घबरा गई अगर लाखों नौजवानों को 100 में से 100 नंबर मिल गए, पूरे के पूरे नंबर मिल गए तो कैसे नौजवानों को नौकरी देंगे। इस घबराहट के कारण वो नौजवान चाहता था कि परीक्षा कैंसिल हो, इनका पेपर लीक हुआ परीक्षा कैंसिल हो गई। सोचिए नौजवान साथियों, आपका 1/3 जीवन इस सरकार ने बर्बाद किया है। बताओ 1/3 जीवन इस सरकार में बर्बाद हो गया आपका कि नहीं बर्बाद हो गया? आपका जीवन से खिलवाड़ करने का काम अगर कोई कर रहा तो ये सरकार कर रही है। इनकी नियत नहीं है नौकरी देने की, और अगर नियत नौकरी की होती तो बताओ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करती है सरकार। ये अग्निवीर व्यवस्था क्या है? आधी अधूरी है नौकरी, ये कोई पक्की नौकरी नहीं है। हमारा नौजवान पक्की नौकरी चाहता है और पक्की नौकरी कर करके देश की रक्षा करना चाहता है, वर्दी पहन करके सम्मान के साथ जीना चाहता है, लेकिन ये सरकार अग्निवीर जैसी व्यवस्था ला करके हमारे नौजवानों का भविष्य छीनने का काम कर रही है। मैं अपने नौजवानों को कह के जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है, हमारे नौजवानों ने जो खोया है, केवल खोई नहीं है नौकरी, मैंने पहले भी कहा 1/3 जीवन बर्बाद किया है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं जो फौज की भर्ती में जाना चाहते थे और सम्मान की नौकरी करना चाहते थे, इंडिया गठबंधन और समाजवादियों की सरकार बनेगी, पहले जैसी नौकरी पक्की नौकरी देने का काम भी समाजवादी और इंडिया गठबंधन करने का काम करेगा। ये हमारे नौजवान और किसान जब ठान लें, अगर किसान और नौजवान ठान लें तो बताओ ये सरकार कैसे बचेगी, क्या सरकार बच पाएगी? याद कीजिए जब पहली बार अलीगढ़ में समाजवादी सरकार में हम लोग आए थे तो हम लोगों ने लैपटॉप बांटने का काम किया था, लैपटॉप बांटे थे अलीगढ़ में आकर के, और इसलिए बांटे थे क्योंकि हमारे नौजवानों का भविष्य बन जाए, पढ़ लिख करके आगे बढ़े, और ऐसे लैपटॉप दिए कि आज 7 साल बाद भी जिसके घर परिवार में होगा
वो अगर चलाता होगा तो बताओ हमारी और नेताजी की फोटो दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? 7 साल बाद भी चल रहा है। और मैं अभी कहना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री और बिल गेट्स आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे थे, और आपने अखबार में पढ़ा होगा कि अमेरिका के जो उद्योगपति आए थे उन्होंने कहा कि अगर हमें डिजिटल डिवाइड के लिए कोई भी फैसला लेना पड़ेगा उसमें हम भारत सरकार का सहयोग करेंगे। और जब मैंने वो खबर पढ़ी और उसके बाद हमारे किसी साथी ने बताया कि जो लैपटॉप आपने बांटा आज अमेरिका में कई स्टेट में कई शहरों में लैपटॉप बांटा जा रहा है, सोचो समाजवादियों ने 7 साल पहले बांटा था और आज अमेरिका में भी बांटा जा रहा है। अगर बच्चों को उनके भविष्य को बनाने के लिए, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने के लिए, दुनिया से जुड़ने के लिए अगर सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादियों ने लैपटॉप बांट करके दिखाया था, उसकी भी नकल की। इस सरकार ने नकल कर ली उसकी भी। हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया, हमारे मुख्यमंत्री ने इतना छोटा दे दिया कुछ, और उंगली घिसते रहिए चलेगा कि नहीं चलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। आपको याद होगा यहां पर बिजली का कारखाना सबसे बड़ा किसी ने लगाया तो समाजवादियों ने लगाया, हरद्वारगंज में 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट, हम लोग तो नाम भी ले लेते हैं। जब यहां पर बीजेपी के लोग आए तो मुझे लगा कि इस बिजली के कारखाने का नाम लिया जाएगा और समाजवादियों को धन्यवाद दिया जाएगा, लेकिन न नाम लिया न धन्यवाद दिया। हमें खुशी है इस बात की जो समाजवादी सरकार में बिजली का कारखाना लगा था, न केवल उत्तर प्रदेश में आम लोगों को बिजली दे रहा है, वो जो कारखाना लगा है न जाने हजारों नौजवानों को और मिलकर के स्कूल मिलाकर के हजारों लोगों को नौकरी मिली है, और जो आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। अगर सबसे बड़ा योगदान सबसे ज्यादा सबस्टेशन बनाने का और बिजली कारखाने का लगाने का अगर किसी ने फैसला लिया था तो समाजवादियों ने लिया। उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में बिजली ज्यादा बन रही है और ज्यादा मिल रही है। इन्होंने केवल एक काम किया, बिजली महंगी कर दी और मीटर लगा दिए। इनके दो नंबर वाले नेता एक दिन भाषण में दे रहे थे, आप गूगल करके देख लेना, उन्होंने कहा था कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे। क्या बताओ फ्री बिजली मिल रही है कहीं? ये आप पार्टी वाले फ्री बिजली दे रहे गरीबों को दिल्ली में कि नहीं दे रहे हैं? और हम लोगों ने कहा था कि 300 यूनिट फ्री देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने हमारे गरीबों से भी मीटर लगा के बिजली वसूलने का काम शुरू कर दिया है। ये सड़क पर जो एम्बुलेंस चलती है, ये जो गरीबों की मदद के लिए पहुंच जाती है, आप फोन करते थे एम्बुलेंस पहुंच जाती थी, मदद करती थी गांव में भी जाकर के, बताओ एम्बुलेंस वाली व्यवस्था इन्होंने खराब कर दी कि नहीं कर दी? 10 साल दिल्ली वालों ने कोई एम्बुलेंस बढ़ाई क्या? और न केवल हमारी समाजवादियों की दी हुई एम्बुलेंस बढ़ा दी, खराब कर दी, और अस्पताल से लेकर के जिला अस्पताल में कहीं इलाज नहीं मिल पा रहा गरीबों को, न दवाई है न इलाज है। और अगर कोई गरीब पहुंच भी जाता है तो उसे सीधा सीधा कह देते हैं जाओ प्राइवेट अस्पताल में वहीं इलाज कराओ, सरकारी अस्पताल में कोई इलाज नहीं है। ये दुर्दशा पैदा की है। और न केवल ये बल्कि पुलिस के लिए हम लोगों ने 100 नंबर एक अच्छी व्यवस्था दी थी। हमारे पुराने लोग जानते होंगे, थाने में अगर जाते थे तो कोई पुलिस पर गाड़ी नहीं होती थी, किसी को पकड़ने के लिए जो आता था शिकायत उसी से डीजल पेट्रोल भरवा लेते थे, तब जाकर के उनकी गाड़ी चलती थी।
वही 100 नंबर 112 कर दिया और हमारे पुलिस भाइयों को लगा कि 100 से 112 तो हमारा भी रेट बढ़ जाना चाहिए। सरकार ने 100 से 112 किया लेकिन हमारे पुलिस के भाई लोग भी कुछ अपना रेट बढ़ाए हुए हैं। बताओ रेट बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है? और ये लोग कभी कभी गुस्सा करते हैं, कभी कभी गुस्सा करते हैं, लेकिन इनको पता होना चाहिए जिस तरीके कैसे अग्निवीर व्यवस्था बीजेपी ने 4 साल की कर दी, अगर इनकी दोबारा सरकार आ गई तो ये खाकी वर्दी वालों की 3 साल की नौकरी हो जाएगी। ये लोग भी आउटसोर्स में चले जाएंगे। हर नौकरी इन्होंने आउटसोर्स कर दी कि नहीं कर दी? सोचो आप, 3 साल बाद ये घर चले जाएंगे तो हमारे और आपकी तरह ही खेतों में घूम रहे होंगे। किसी को पता था कि अग्निवीर व्यवस्था आ जाएगी? बताओ, किसी को पता था कि अग्निवीर व्यवस्था आ जाएगी? किसी को पता था कि नोटबंदी आ जाएगी? हमारे तमाम व्यापारी साथी यहां बैठे होंगे, वो जानते होंगे कि जब से नोटबंदी और जीएसटी आई है, हमारे तमाम हार्डवेयर और यहां के कारखानों को सबसे ज्यादा परेशानी पैदा की है। नोटबंदी और जीएसटी ने हमारे व्यापारियों का, उद्योग चलाने वालों का सबसे ज्यादा नुकसान करने का काम किया है इन्होंने, और उसका परिणाम यह है कि बड़े पैमाने पे बेरोजगारी फैल गई है। न कोई रोजगार दिया, और जो लोग कहते थे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बताओ हमारे अलीगढ़ के कारखाने वालों को क्या लाभ मिला है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में? कोई लाभ मिला हो? कोई बड़ा कारखाना इन्होंने लगाया हो? तो इसलिए सावधान रहिए और मतदान करना, ये बीजेपी वालों से बहुत सावधान रहना है। इनकी जो पहचान बनी है वो झूठ और लूट की बनी है पहचान। बीजेपी वालों ने पूरे अपराधियों का और भ्रष्टाचारियों का सबसे बड़ा गोदाम बनवा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, सब इनकी गोदाम में पहुंच गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की गोदाम में। बताओ गोदाम में पहुंच गए कि नहीं पहुंचे हैं? और जब से इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात आती है, इनका इलेक्ट्रोल बॉन्ड ने बैंड बजा दिया और इनकी बोलती बंद करा दी। कोई चंदा 1000 करोड़ देगा? कल्पना करिए आप, सोचिए आप, कैसे चंदा लिया गया है? कई ऐसे लोग हैं जो लोग जो लोगों ने चंदा दिया है, न जाने कितना चंदा लिया है, 1000 करोड़, किसी से 600 करोड़, किसी से 400 करोड़। बताओ चंदा लिया कि नहीं लिया चंदा? और इन्होंने उद्योगपतियों को भगवा दिया कि नहीं भगवा दिया? और बैंकों से पैसा जमा करवाया, हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया इन्होंने, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया, 15 लाख करोड़ से ज्यादा उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। हम अपने किसान भाइयों कहना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार बनाएंगे और एमएसपी का कानूनी अधिकार देंगे और किसानों का कर्ज माफ भी कराने का काम होगा। आप लोग हो तैयार वोट डालने के लिए? हैं तैयार आप लोग? आप लोग तैयार हो संविधान बचाने के लिए? ये संविधान बचाने का चुनाव है। आपका एक वोट न केवल विजयेंद्र सिंह जी को जिताएगा बल्कि संविधान को भी बचाने का काम करेगा। आप लोग लोकतंत्र बचाना चाहते हो? ये लोग जो बड़े बड़े नारे दे रहे हैं, क्या हमें